हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जुजू भट्ट। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो भाई, मेरे पास बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि अभी सबसे पहली बात तो सॉरी, कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई, उसके बहुत बहुत सॉरी। आप लोग समझ सकते हैं कि अभी मेरी कंडीशन कैसी है, बच्चों का साथ है तो चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कल ब्लॉग नहीं डाला तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि आपने नहीं डाला, फिर किसी एक जो मुझसे बहुत प्यार करती है उनका कमेंट आया कि इनकी तो आदत ही ऐसी है तड़पाने की, ये वो दुनिया भर के इल्ज़ाम लगा दिए। तो मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहती हूँ, डियर, आप कभी भी किसी की मजबूरी समझते हो या नहीं समझते? क्या आपको लगता है कि मतलब ब्लॉगर हैं या कुछ भी हैं तो इनके साथ कोई परेशानियाँ नहीं होती होंगी, या मतलब कुछ भी बोलना होता है हर कुछ लोगों को? लेकिन हाँ, मैं इन बातों में नहीं जाऊंगी, मैं आज करूंगी बहुत अच्छी प्यारी बातें। एक्चुअली मैंने ना हॉस्पिटल में ही शूट कर लिया था, वो मेरी मजबूरी थी शूट करना, वो मैं मतलब वो क्लिप मैं इसी वीडियो में आगे लगा दूंगी, आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या ऐसी मतलब इमरजेंसी आ गई थी कि मुझे हॉस्पिटल में ही शूट करना पड़ा बेबी जेंडर रिव्यू। वरना मैं बेबी जेंडर रिव्यू कुछ अलग तरीके से करना चाह रही थी, कुछ मतलब अलग सा, बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कर पाते, लेकिन जैसे हम लोग भी देखते हैं और लोगों को शॉर्ट्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, लोग कुछ ना कुछ नया करते हैं, तो मेरे दिमाग में इस बात था कि मैं भी कुछ अलग तरीके से करूँगी। लेकिन चीज़ें इतनी ख़राब हुई, कैसे हुई, क्या हुई, वो सब आप देख लेना, उस क्लिप में मैंने बताया है। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि बेबी होने के बाद क्या क्या हुआ, कौन कौन मिलने आया, ये सब चीज़ें फिर उसके बाद हुई। ये वाला जो जेंडर रिवील का था ये बाद में आना था, लेकिन अब वो पहले आ रहा है। और फिर आप लोग की एक्साइटमेंट भी तो इतनी हो गई, मुझे नहीं पता था, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं जेंडर रिवील पहले कर देती हूँ, बाकी वीडियोस जैसे ही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। और जेंडर रिवील करने से पहले मैं आज आप लोगों से, जैसे अभी मैं घर पे हूँ तो मैं मुझे बात करनी थी, क्योंकि उस वक्त तक तो मैंने ये वीडियो नहीं डाली थी ना। अब जैसे मैंने कल वीडियो परसों वीडियो डाला तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं उस बात पर पहले जल्दी से बात कर लेती हूँ। वो ये है कि मतलब काफ़ी लोग कयास लगा रहे हैं कि मुझे बेटा हुआ है, काफ़ी लोग कयास लगा रहे हैं कि मुझे बेटी हुई है, मतलब 90% लोग ये बोल रहे हैं कि मुझे बेटा हुआ है, क्योंकि मतलब जो इन्होंने बोला था या जो भी है उसे सब लोग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ, मुझे भी आज तक अपना नाम कभी इतना खूबसूरत नहीं लगा जो इन्होंने किया। इसके पीछे का मैं आपके राज बताऊँ, मैं इनको यही बोल रही थी कि मेरी वीडियो बना देना प्लीज़। आपको पता है उनकी आदत, वो नहीं करते हैं कुछ भी, तो वो यही कह रहे मेरे पास की बात नहीं है, मैं नहीं करूँगा। तो मम्मी कह रही है लल्ला थोड़ा सा कर दी, मेरे से मत कहो ये सब। तो अब मम्मी कह रही मैं कैसे करूँगी, अब दो ही लोग थे हॉस्पिटल में, आप लोग को बताएं। अब वो डिलीवरी के टाइम जा रहे हैं, मम्मी के भी हाथ पैर काँप रहे हैं, और मम्मी उतना कर भी नहीं पाती, आपको पता भी है मम्मी के हाथ पैर काँप रहे हैं। और फिर मम्मी से फ़ोन के लॉक वॉक, मम्मी ये स्मार्टफोन लेती ही इसलिए नहीं है क्योंकि उनसे चलाना नहीं आता, तो मम्मी ये कह रही मुझे चलाना नहीं आता, मैं कैसे करूँगी। तो मैं इनको कह रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन मुझे पता था कि ये कुछ भी शूट करेंगे नहीं, लेकिन इन्होंने शूट भी किया। और वो जो मेरा बेहोशी वाला सीन था वो तो मैं मतलब एक एपिक सीन बन गया मेरे लिए भी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर चलो, अब आप लोगों का ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, और आप लोगों ने जो कमेंट किए ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे इनको लेके, और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और काफ़ी लोग ठीक हैं, काफ़ी लोग गलत हैं, कौन ठीक है कौन गलत है ये आपको आगे अभी पता चल जाएगा। तो आप लोग इन्जॉय कीजिए मेरा जेंडर रिवील वाला वीडियो, जो कि सीधा हॉस्पिटल से ही है, वो मैं अभी नहीं बता रही, मेरे को तो बस यही कहना था, जिसे डिस्टर्बेंस हो गया अब यहाँ पर तो होती रहती, लोग चलते रहते हैं। तो मैं हाँ यही कह रही थी कि क्या कह रही थी, लेकिन हाँ वो वाला जो सीन था ना, मोमेंट, वो बहुत एपिक है, वो मैं ज़िंदगी में पता नहीं कितनी बार खोल के देखूँगी। और उस चीज़ से बहुत मुझे मतलब इंस्पिरेशन, जब भी मुझे ये एहसास होगा ना कि ये मुझसे प्यार नहीं करता, तो मैं उसे खोल के देखूँगी। मैं भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर खुश थी। और काफ़ी लोगों ने कहा था, जिस तरीके से वो आपको बता रहे थे ना कि आपके मायके वालों से बात हो गई है, फ़ोन आया था, मम्मी से कर ली, मम्मी तुमसे बात करेंगी, वो सब हमें बहुत अच्छा लग रहा था। तो काफ़ी लोगों ने बोला हमें रोना आ गया, मतलब सोचो मैं जब एडिट कर रही थी मुझे रोना आ गया था, तो मेरे घर से भी सबके फ़ोन आ रहे हैं कि चीचू ने, मतलब एक वो होता ना अंदर से जो आवाज़ होती है वो करके लगाई थी, तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है। चलो तो अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, आप देख लो कि मेरे घर में कौन आया है, वो वाली वीडियो जो मैंने हॉस्पिटल में शूट की थी और क्या पंगा हो गया था, वो भी सब आप उसमें देख लो। और मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और फिर उसके बाद क्या क्या हुआ वो सब मैं फिर उसी हिसाब से बताऊँगी। ठीक है, चलो बाय।
हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल संजू भाई। तो आज के वीडियो में मैं ये रिवील करने वाली हूँ कि हमारे घर में बेटा आया है या हमारे घर में बेटी आई है। इसके ऊपर इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो इसकी एक छोटी सी मतलब स्टोरी भी है और छोटी सी एक गड़बड़ भी है, वो भी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ है ना कि मेरी प्लानिंग्स थी और सबकी होती है, आप लोगों को बताइए, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई कि जो मेरी बाजी है उन्होंने, हिना बाजी ने, उन्होंने इंस्टाग्राम में डाल दिया था। तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे आपके हर वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है वो क्यों बंद है, काफ़ी लोग काफ़ी बातें कर रहे हैं। तो एक्चुअली उन्होंने वो वहाँ से देख लिया और वहाँ से काफ़ी लोगों को पता चल चुका है। तो इस वजह से मैंने कमेंट बॉक्स ऑफ किया था। ऐसी कोई बात नहीं है, आप में से काफ़ी लोग अपी को जा जाके इतनी गालियाँ सुना रहे हैं, इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं तो कि तुम भी नहीं बता रहे हो और बताओ तुम छुपा रहे हो। हाँ, बाजू को हम बोल रहे हैं लोग। तो उन सबकी कहानी बस ये थी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग में हो गया कि बाजी मुझसे पूछ भी नहीं पाई। और उस वक्त मेरी भी कंडीशन ऐसी थी, मेरा तो ऑपरेशन ही हुआ था। जब हमारा बेबी हुआ था तो उन्होंने तभी इंस्टाग्राम पे डाल दिया और मैंने जब 2 दिन बाद खोल के देखा तो तब ये था कि आधी दुनिया को पता चल गया। फिर मैंने उसको काफ़ी काम किया, कितने कमेंट मैंने डिलीट किए, फिर कितनी वीडियोस के कमेंट्स ऑफ किए, बहुत कुछ मुझे करना पड़ा उसके लिए, है बहरहाल। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ऑफिशियली बताऊंगी कि हमारे घर में कौन आया है। तो चलो अब बता देते हैं। मैंने सोचती किसी और तरीके से बताती, मैंने बहुत कुछ फैंसी से सोचा हुआ था जो आजकल चल रहा है, लेकिन अब वो फैंसी हो नहीं सकता क्योंकि आगे जो वीडियो लाइन अप है ना वो कुछ अलग तरीके है। मतलब जो मैंने सोचा था उस हिसाब से अब कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसीलिए फिर अब मैं आपको सिंपल तरीके से ही बता देती हूँ कि हमारे घर में माशाल्लाह से आयरा और निभा की बहन आई है। हमारा थर्ड जो बेबी है वो बेटी है माशाल्लाह से, और हम लोग उसमें भी खुश हैं। काफ़ी लोग इसमें बात मनाने लगे, तुमने ऐसे किया वैसे किया। जो लोग बात मनाते हैं मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कह सकती और ना ही उनका मुँह बंद कर सकती। बाकी अल्लाह की हिम्मत है, अल्लाह बस इन बच्चों के नसीब अच्छे करे और मेरे बच्चे हमेशा खुश आए। हमारे घर में सब बहुत खुश हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाजी को तो पता नहीं लोग क्या क्या कह रहे, तुम लोग सिर्फ इसलिए नहीं बता रहे कि तीसरी बेटी हो गई ना तो तुम लोग गम में पता नहीं लोग क्या बातें करते, कैसी बातें करते। हाँ, तो मैं बस आप लोगों को यही कहानियाँ सुना रही थी कि मैंने सोचा होता मैं ना कुछ अलग जो आजकल फैंसी चल रहा है कुछ इस तरह से बताऊंगी, कुछ उस तरह से बताऊंगी, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई। कहते ना हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है और अल्लाह ने लिखा हुआ होता है। अब आप ये कहेंगे आपने इतने सिंपल तरीके से बताया इसलिए क्योंकि आने वाली जो वीडियोस है वो हॉस्पिटल की ही है, उसमें सब लोग मिलने आ रहे हैं और उसमें लोग बीच बीच में भूल भी रहे हैं, तो मैं कितनी एडिटिंग करूँ, कितना क्या करूँ। तो फिर और अभी मेरी उतनी तबीयत भी सही नहीं है, माइंड भी उतना सेटअप नहीं है कि मैं चीज़ों को उस तरह से संभालूँ। तो अब मेरे हाथ में कुछ नहीं था, चीज़ें बिगड़ चुकी थी, तो इस वजह से अब मैं आपको इसी तरह से बता रही हूँ। बट कोई बात नहीं, न्यूज़ आप लोग को पता चल गई, अच्छी बात है। और अब आज से ही मैं अपने सारे कमेंट खोल दूँगी और आप जी भर के बहुत सारी दुआएँ देना और बस आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। तो बस यही आप लोगों को बताना था। तो मैं बहुत खुश हूँ, हमारे घर में भी माशाल्लाह से सब बहुत खुश हैं। चलो फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और अब बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको मिलेंगे छोटे बेबी के साथ। और हाँ, एक चीज़ और आप लोगों से बोलनी थी, कोई अच्छा नाम तो ज़रूर सजेस्ट करना जिसका मीनिंग बहुत अच्छा होता है। हालाँकि हमारे घर में रखेंगे बाजी की, लेकिन लिस्ट मैं सबसे बोलती हूँ लिस्ट दे दो जो पसंद आएगा वो रखेंगे। ठीक है, तो फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।